हेलो स्टूडेंट्स, एनवीएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि कहा गया है, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में रहा भटकाने को, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में रहा भटकाने को, एक संकल्प एनवीएस ही काफी है मंजिल पाने को। तो नेहल वर्चुअल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण माजुली द्वीप की। अपने आप में एक अनूठा द्वीप, विश्व में रिकॉर्ड धारी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुकुट है वो ये द्वीप हैं। और किस प्रकार से ये जो द्वीप हैं विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को समेटे हुए हैं, इन सभी की करेंगे आज बात आप सभी के साथ। तो चलिए करते हैं आरंभ गहन विस्तारित विश्लेषण। सर्वप्रथम हमें यहां पर यह समझना है कि जो माजुली द्वीप है ये अवस्थित कहां पर है। तो अगर हम माजुली द्वीप की बात करें तो ये असम राज्य में अवस्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो द्वीप हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित द्वीप है, ये भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही बढ़िया शानदार धुआंधार तरीके से, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। तो अगर हम यहां पर बात करें जोश जुनून के साथ, बहुत ही बढ़िया, कि इसकी अगर हम अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक महत्वपूर्ण आपको द्वीप देखने को मिलेगा। और ये जो द्वीप है इसी द्वीप को हम माजुली के नाम से जानते हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा कि गुरुजी, माजुली द्वीप जो है उसमें माजुली का अर्थ क्या है? तो अब आप यहां पे देखिए, माजुली, माजुली का अर्थ है दो नदियों के समानांतर स्थित भूमि, दो नदियों के समानांतर स्थित भूमि। ये हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, माजुली द्वीप के अंतर्गत, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जोश और जुनून के साथ, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि माजुली द्वीप भारत का एकमात्र द्वीप है जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा जिला घोषित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये हमें यहां पे जरूर ध्यान में रखना है। तो भारत का एकमात्र द्वीप जिसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला आइलैंड और डिस्ट्रिक्ट बनने का मौका मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2004 में यूनेस्को की अस्थाई सूची में
माजुली को विश्व विरासत लिस्ट के लिए नामांकित किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माजुली द्वीप असम के नव वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। तो ये द्वीप किस संप्रदाय से जुड़ा है, ये भी हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। और माजुली द्वीप पर स्थित माजुली द्वीप का जो प्रमुख गांव है जिसे हम नागमार कहते हैं, क्या कहते हैं, नागमार कहते हैं, और यहां पर अनेकों त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एक एक बिंदु हमने आपके सामने रखा, जिससे आपको माजुली द्वीप के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है, कि अमेजन जो नदी है, कौन सी नदी है, अमेजन नदी है, उसके ठीक नीचे गहराई में उसी के समानांतर एक और भूमिगत नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी की खोज किस वर्ष की गई, ये महत्वपूर्ण जानकारियों पर आपको अनुसंधान करना है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए नेहल वर्चुअल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ में आपको यह भी समझना है कि माजुली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए, हाल ही में संपन्न हुई जो सीईटी परीक्षा है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका आयोजन किया गया, उसमें माजुली से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है। तो अब आप यहां पे देखिए कौन सा महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। क्या ये दोआब है, ये तो दो नदियों के बीच की भूमि होगी, नहीं। क्या ये उमानंदा है, मराजो है, तो सही उत्तर क्या है, माजुली। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, बेस्ट विशेस, टेक केयर स्टूडेंट्स।